भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान में खूनी संघर्ष के बाद अब तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच LAC पर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। वैसे तो सीमा विवाद को लेकर पिछले 2 साल से भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है, पहले पूर्वी लद्दाख में भिड़ंत और अब तवांग में चीन की नापाक चालबाजी। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं कि चीन बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से युद्ध का माहौल तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो क्या स्थिति रहेगी। दरअसल तवांग में भारत ऊंचाई पर तैनात है, ऐसे में हमें चीन के मुकाबले बढ़त हासिल है। तवांग में पेट्रोलिंग के लिए दोनों देशों की अपनी मानी हुई सीमाएं हैं, ऐसे में इस जगह पर अक्सर दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय सेना को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती का बेहतर अनुभव है। हाई एल्टीट्यूड पर वॉर के मामले में भारतीय जवानों की कुशलता चीनी सैनिकों के मुकाबले बेहतर है। भारतीय सैनिक अधिक बर्फीले इलाकों में तैनाती और युद्ध की स्थिति के अनुरूप खुद को ढालने में बेहद ही सक्षम है। हालांकि विदेश मामलों से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि बदलते आर्थिक परिदृश्य में चीन और भारत के बीच सीधे तौर पर युद्ध की स्थिति तो बिल्कुल बनती नजर नहीं आ रही। इसकी सबसे बड़ी वजह कि चीन ने जिस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई है, उससे लगभग पूरा यूरोप ही चीन के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी भारत को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा और हमारी सेना तैयार भी है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ड्रैगन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। भारत का रक्षा बजट अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। सेना को लगातार विदेशी और स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। एक्टिव सैनिकों के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में विवाद के बीच भारत ने चीन से सटी सीमा पर हाई फ्रिक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइलें, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी गन, अत्याधुनिक कार्बाइन, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के अनुरूप तैयार टैंक को भी तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाने के लिए सेना को लेटेस्ट हार्डवेयर से भी लैस किया जा रहा है। इन सब के बीच चीन के हर पैतरे से भारत वाकिफ है। तवांग में चीन की हरकत का पहले से ही अंदेशा था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से पहले भी सैन्य ढांचे और गांव बसाने की खबरें आती रही हैं। चीन शुरू से ही तवांग में अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। ऐसे में भारत ने गलवान से सबक लेते हुए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। यही वजह है कि चीन को उसकी हरकत के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।